वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्यू सिस्टम जो होता है, मैसेजिंग क्यू जो होता है अमेज़न का, AWS का, उसके साथ में जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे इंटीग्रेट करते हैं। एक बहुत सैंपल एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल वाला है। एक प्रोड्यूसर का कोड लिखा है, एक कंज्यूमर का कोड लिखा है। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो डाटा क्यू को भेजता है, राइट। मतलब हमारा जब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है सर्वरलेस का, तो एक प्रोड्यूसर जो होता है, जो डाटा भेजने का काम करता है क्यू में, क्यू जो है वो मिडलवेयर होता है, मिडलमैन होता है, राइट। वो ब्रोकर होता है, वो आपके क्यू पकड़ के रखना, स्टोर करके रखना, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। और जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो उनका काम क्या होता है, क्यू को लिसन करना और क्यू में जो भी डाटा उसके लिए है, उस क्यू के लिए, वो जिसको रीड करना चाहता है, उसमें कोई डाटा है तो लेना और उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करके जो भी आगे का लॉजिक करना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कर सकते हो। लेकिन ये जो छोटी सी सीक्वेंस है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको क्या क्या पता चलेगा कि AWS से आप Amazon MQ का मैसेज ब्रोकर जो है RabbitMQ कैसे बना सकते हो, आप क्यू बनाओगे, मल्टीपल क्यूज बनाओगे, आप उसका एडमिन बना सकते हो और उसके बाद में आप उसको प्रोड्यूसर से उसको मैसेज भेज सकते हो। उसका सेटअप में बताऊंगा, कोड में क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है कि जब आप ब्रोकर URL लिखते हो तो उसमें क्या लिखना है, सेंडर के टाइम से भी, मतलब प्रोड्यूसर के इससे भी, और रिसीवर मतलब कि कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर और रिसीवर ध्यान में रखना, प्रोड्यूसर मीन्स सेंडर होता है और कंज्यूमर मीन्स रिसीवर होता है, जिसको डाटा चाहिए। क्योंकि सर्वरलेस की जब आप बात करते हो तो उस सर्वरलेस पे हमेशा मल्टीपल सिस्टम्स इंटरेक्ट करते रहते हैं, राइट। इसीलिए तो, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, कोई तो एंटिटी है मिडलमैन, जैसे कि क्यू वाला। अब ये RabbitMQ मैं आपको बता रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द ओनली क्यू, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रोकर सिस्टम्स हैं, जैसे काफ्का है और बाकी भी है, लेकिन ये सबसे सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और बेस्ट है। अगर आपको सीखना है, सीखने के पर्पस से, इंटरव्यू क्रैक करने के पर्पस से, अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से, बहुत ही अल्टीमेट है। आप Amazon पे जाओ, AWS पे बनाओ अपना क्यू और क्लोज कर दो। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जंप मारूंगा। अगर आप देखोगे मेरे कंसोल पे, मैं Amazon MQ पे गया हूँ और Amazon MQ पे जाने थोड़ा लोड होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि AWS थर्ड पार्टी है और इंटरनेट के इश्यूज भी हो सकते हैं, तो ये लोड हो रहा है दोस्तों। मैं आपको एक रियल टाइम क्यू बना के दिखाऊंगा और उसको हम लोग सिंपली Node.js के कोड से उसमें पुश भी करेंगे और उससे लेंगे। अभी इस वक्त मेरा कोई भी क्यू नहीं है, कोई ब्रोकर कुछ ये नहीं है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ। ये मेरा डमी अकाउंट है वैसे, इसमें सब मैं टाइम पास वाली चीजें करता हूँ। तो ये देखिए, बाय डिफॉल्ट RabbitMQ है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मैं क्लस्टर भी बना सकता हूँ। ये थोड़ा कॉस्टली है और प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें मोर देन वन इंस्टेंसेस बनते हैं रियल में। EC2 वगैरह वो लॉन्च करता है, बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी है क्योंकि अलग अलग जोन में वगैरह करता है। तो पैसे बचाने के लिए और डेमो पर्पज से मैं ये सस्ता वाला करूंगा, जिसमें लोग जनरली टेस्ट करते हैं। ओके, ये नेक्स्ट बटन मैंने दबा दिया। इसके बाद में कुछ भी नाम देते हैं, जैसे सैम और RabbitMQ, ठीक है। अब मैं इसमें जो है, देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें सबसे सस्ता वाला हमें लेना है, क्योंकि अगर हमने महंगा लिया, ये देखिए जैसे लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज, ये हमें जरूरत नहीं है। तो सबसे छोटा मुझे ये दिख रहा है T3.micro, उसका जो है फ्री टियर भी है बेसिकली, अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे फ्री टियर है। ओके, ये मैंने ले लिया। यूजर नेम दे दिया सैम और कुछ तो पासवर्ड मैं उसको देता हूँ, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, देखते हैं, उनको मिनिमम 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो मैं देखता हूँ एडिशनल सेटिंग में कुछ करना है क्या, नहीं, ये इंजन हमको सिलेक्ट नहीं करना है, हम क्लाउड वॉच पे डाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उसको लोकल सिस्टम से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर से। ये मैं बनेगा कहाँ पे, AWS पे जाके बनेगा, तो पब्लिक एक्सेस देना जरूरी है, अदरवाइज वो तो चलेगा ही नहीं। बाकी आप किसी को हाथ मत लगाओ, सबसे पहली बात, आप नेक्स्ट पे जाओ। एक्चुअली हाँ, अभी ये आपको दिखाएगा कि भाई कौन सा ब्रोकर इंजीनियर, RabbitMQ है और सिंगल इंस्टेंस है, उसका नाम फलाना ढिमका जो कुछ भी है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, और ये सारा दिखाएगा। आप सीधा नीचे आओ, क्रिएट ब्रोकर करो। और एक बात है कि ये टाइम लगाएगा, ये ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया और आपको चाय मिल गई बना के, ऐसा नहीं, वो थोड़ा टाइम लगाएगा दोस्तों। तो मैं वीडियो को रोकता हूँ और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो क्या दिखा रहा है, क्रिएशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो
एक काम करते हैं, वीडियो रोकने की बजाय एक काम करते हैं, मैं आपको कोड ही दिखा देता हूं कि मेरा प्रोड्यूसर का कोड क्या है। ठीक है, तो ये मेरा दो कोड है, एक होता है ये नोड जो इसका प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी लिख रखा है, अगर आपको ब्लॉग भी देखना है ना तो ये मैंने इजी स्टेप्स लिख रखा है, देखिए medium.com पे मेरा ये है, इसका URL भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये मैंने लिख रखा है कि कैसे करते हैं, इसमें अगर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप मैंने दे रखा है कि AWS कंसोल पे जाओ, Amazon MQ पे जाओ, एक नया ब्रोकर बनाओ, RabbitMQ सिलेक्ट करो, इंस्टेंस टाइप ब्रोकर जो अपन ने किया वो अभी तक के यूजर नेम पासवर्ड में मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ टाइम लगता है 2 to 5 minutes जितना भी लगेगा वो उसको वो बनाएगा। ये स्टेप फिलहाल ऑप्शनल है क्योंकि हमने पब्लिक एक्सेस देके उसको ओपन कर दिया है इस वक्त, क्योंकि ये टेम्पररी डमी चीज है। ओके, तो इसके बाद में एक नया नोड जेस प्रोजेक्ट मैंने बनाया, कैसे बनाया, एक फोल्डर बनाया RabbitMQ डेमो का, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये RabbitMQ फोल्डर मेरा डी ड्राइव प्रोजेक्ट में है ये वाला, और इसके अंदर आप देखेंगे नोड जेस का कोड है। ठीक है, तो मैं उस RabbitMQ डेमो में गया और मैंने डमी प्रोजेक्ट बनाया नोड जेएस का सबसे पहले यहाँ तक के, और ये वाली चीज मुझे इंस्टॉल करनी है AMQP LIB, ये लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी है अगर आपको क्यू का इस्तेमाल करना है। तो बस इतना ही है सबसे, या कोड लिखने के पहले तक का इतना ही है। और मैंने क्या किया, दो फाइल्स बनाए सिर्फ, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ दो कोड बनाए, एक फाइल बनाई producer.js जो कि सेंडर है, ठीक है, और दूसरी है consumer.js जो कि रिसीवर है। तो सेंडर क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे उसने इसको रिक्वायर किया, और ये क्यू का नाम है ना, ये क्यू का नाम वहां रहना जरूरी है एक्चुअली, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्यू का बनाएंगे अभी। और ये जो ब्रोकर यूआरएल है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका फॉर्मेट देखो क्या है आपका, ये होना चाहिए, और उसका यूजर नेम पासवर्ड, और उसके बाद में ब्रोकर का एंड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली। तो ये ब्रोकर का एंड पॉइंट किस तरीके से है देख लीजिए, ये है यूजर नेम और ये है पासवर्ड, और उसके बाद में ये यहां से लेके तो यहां तक की ब्रोकर का एंड पॉइंट है, इतना हाईलाइट में जो कर रहा हूँ, और ये पोर्ट है 5671 जो है वो पोर्ट है। ओके, तो उसके बाद में ये फंक्शन लिखा है जो कि अपना काम कर रहा है, कुछ तो कनेक्ट कर रहा है, फिर उसका चैनल बना रहा है, फिर क्यू में एसेट क्यू में भेज रहा है, यहाँ पे उसने क्यू पे मैसेज भेजा और कनेक्शन को क्लोज कर दिया, बस इतना ही कोड है, कुछ भी नहीं। जैसे इस पेज पे आओगे ये सेंड मैसेज सबसे पहले कॉल होगा, जैसे ही सेंड मैसेज कॉल होगा वो अपना काम करेगा, इतना ब्रोकर का URL जाएगा, अपनी वो वैलिडेशन करेगा, URL लेगा, चैनल बनाएगा, क्यू भेजेगा, और भेज दिया मतलब क्यू भेज दिया। producer.js क्या करेगा, कोड को लेकर आपका जो भी डाटा है उसको लेकर आपके सर्वर पे जाके पटक देगा। सर्वर मींस क्या, आपका जो ब्रोकर जो आप बना रहे हो अभी इसके ऊपर में, ये बन गया क्या देखते हैं, नहीं अभी भी क्रिएशन इन प्रोग्रेस है, तो अच्छा हुआ हमने टाइम यूटिलाइज कर लिया एक्चुअली रैदर देन वेटिंग और स्टॉपिंग द वीडियो। तो हाँ मैं यहाँ पे आ गया, ये हो गया प्रोड्यूसर का कोड मतलब सेंडर, और इसमें मैं क्या भेज रहा हूँ डाटा, हेलो RabbitMQ, ये वाला डाटा ये वाला जाएगा हेलो RabbitMQ, क्यू में जाके बस जाएगा, सेव होगा, और जो मेरा कंज्यूमर होगा वो कहीं से दूसरी जगह से हमेशा लिसनिंग की परिस्थिति में रहेगा, मतलब वो चालू ही रहेगा कोड आपका, वो कभी बंद नहीं होता। तो ये जो consumer.js वाला कोड है मेरा, ये वाला, ये हमेशा से लिसन मोड में रहेगा, जैसे ही आप इस क्यू को दोगे, टेस्ट क्यू जो नाम मैंने दिया, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का नाम जो है क्यू का सेम होना चाहिए, ब्रोकर URL भी वैलिड होना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड आप दूसरा भी रख सकते हो वहां पे, क्योंकि एक से ज्यादा यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हो आप, तो ऐसा जरूर नहीं, लेकिन उस ब्रोकर के URL का परमिशन और उस क्यू का परमिशन होना चाहिए, ठीक है। और फिर जैसे वहां सेंड मैसेज था वैसे यहाँ पे रिसीव मैसेज है, रिसीव मैसेज क्या करता है, ब्रोकर URL पे जाता है, चैनल क्रिएट करता है, उसके बाद में क्यू को असर्ट करता है और मैसेज को देखता है मेरे लिए कुछ है क्या। जैसे ही आपने प्रोड्यूसर से कोई मैसेज भेजा और वैसे ही फटाफट वो आपको जो है आपके कंसोल पे दिखाएगा, किस तरीके से दिखाएगा, आप एक काम करते हैं आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये टर्मिनल मैं खोलता हूं, ठीक है, टर्मिनल मैंने खोल दिया, दो टर्मिनल खोलता हूं ताकि ये एक खोल दिया ये दूसरा भी खोल रहा हूं, एक प्रोड्यूसर का रहेगा एक कंज्यूमर का रहेगा।
मैं दो टैब भी खोल सकता था, बट इट्स ओके, मतलब दो अपन डिफरेंट ही रखते हैं। तो ये है, आप मेरा क्यू बन गया के देख लेते हैं अपन, क्योंकि हमें क्या करना है, क्यू बनने के बाद में उसकी सेटिंग भी डालनी है। नहीं, अभी तक बना नहीं है वो। अगर ये मेरा पहले का एक क्यू है जो कि अभी मैंने डिलीट कर दिया, तो अगर मैंने नोड कंज्यूमर डॉट जेएस किया तो बोलेगा कि वो इनवैलिड है, क्योंकि वो जो पुराना जो मेरा यूजर नेम पासवर्ड और ब्रोकर का यूआरएल है उसको जाके वो ट्राई करेगा, वो बोलेगा यार मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो, देखो उसको मिला नहीं। तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब करना क्या है मुझे कि क्योंकि इसमें जाकर मुझे यहाँ मैं अंदर जाऊंगा और जो मेरे कॉन्फ़िगरेशन के चीज़ें हैं वो मैं उठाऊंगा, ठीक है। और वो उठाने के बाद में ये कंसोल होता है, देखो उसने क्या किया, जब मैं इस पेज पे आया तो इस पेज पे आने के बाद अभी ये बोल रहा है पेंडिंग मॉडिफिकेशंस, तो मैं यहाँ पे आया, तो ये जो है ना इसको मैं दूसरे टैब में खोलता हूँ, ये दूसरे टाइम में खुल रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको जो भी खेलना है वो आप यहाँ खेल सकते हो, खेलना मतलब आप लॉग इन करो और ये जो है ना ये उसका ब्रोकर यूआरएल का एंड पॉइंट है, यहाँ लिखा है देखो ब्रोकर का एंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सही रोल अदा करेगा बेसिकली। एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को रोकता हूँ और फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये शुरू हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो ये रनिंग स्टेट पे आ चुका है कुछ देर के बाद में। तो मैं इसके लैंडिंग पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखाएगा जो हमने कॉन्फ़िगर की थी, जैसे ये सेम रैबिट सैम रैबिट क्यू क्यू या जो कुछ भी हमने किया था, देखो ये मेंटेनेंस के बारे में पब्लिक उसको किया था ओपन, ताकि लोकल सिस्टम से हम लोग ये कर सके, कनेक्ट कर सके। यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है वेब कंसोल, ये वाला यूआरएल जो कि आपको यहाँ लैंड करेगा, ठीक है, ये उन्होंने कस्टमाइज बना के दिया है अपने को। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो हमने क्यू बनाते टाइम जो है डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही वाला पासवर्ड डालूंगा, मिनिमम 12 कैरेक्टर का जो पासवर्ड वो बोल रहे थे वो मैंने डाला है, और क्या हुआ इसको, तो ठीक है ये आ गया, ठीक है। अब ये उस यूआरएल पे मैं भी चला गया, मतलब यहां वो क्या दिखाएगा, वो जो मैंने बनाया था ब्रोकर, उस ब्रोकर के बारे में जो भी मैसेजेस आएंगे जाएंगे, या मुझे और भी कोई अगर क्रेडेंशियल्स बनाने हैं, यूजर्स बनाने हैं, मैं यहां से बना सकता हूँ, ऐड अ यूजर फ्रॉम एडमिन में जाके, हाँ ये लास्ट वाला टैब है, तो यहाँ जाके मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपली एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, कि भाई कैसे हम लोग ये करते हैं। अभी देखो सबसे पहले क्या करना है, इस यूआरएल पे आके एक क्यू ऐड करना है, ओके। और क्यू ऐड हमें जो करना है वो टेस्ट क्यू करके है, मैं ये क्यू लिख रहा हूँ क्योंकि कोड में भी मेरे को वही लिखना है, ओके, बस मैं इतना ही लिखूंगा और मैं ऐड क्यू बोलूंगा। इसने क्यू बना दिया, टेस्ट क्यू बना दिया, ओके। अब ये हो गया, अब ये जो यूआरएल था नीचे वाला एंड पॉइंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कहाँ लगता है, प्रोड्यूसर में भी लगेगा हमारे और कंज्यूमर में भी लगेगा, तो ध्यान देना ये यहां से लेके तो यहां तक पोर्ट तक के मुझे ये रिप्लेस करना है। और ये जो पासवर्ड है ये भी मैं आप लोगों के सामने चेंज करता हूँ, हालांकि ये क्लोज हो जाएगा बाद में, आपको इसका कुछ काम नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, अगर दोनों में आप देखोगे तो क्यू का नाम टेस्ट क्यू है, देखो यहाँ भी और ये प्रोड्यूसर के कोड में भी टेस्ट क्यू, ये टेस्ट क्यू का देखना, स्मॉल लेटर कैपिटल सब कुछ सेम टू सेम रहना चाहिए जो हमने वहां दिया था उस तरीके, ये देखो टेस्ट क्यू, ओके। अब मैं क्या करूंगा, देखो कि मैंने कंज्यूमर डॉट जेएस एक कॉल करना है जो कि क्या करेगा, मैसेज भेजेगा क्यू को, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कंज्यूमर डॉट जेएस भी खोल के रखता हूँ, आपको लाइव दर्शन करा देता हूँ कि ठीक है, ये वेटिंग कर रहा है, यहाँ पे क्या मैसेज आया, वेटिंग फॉर द मैसेजेस। अब अगर मैं यहाँ पे कंज्यूमर डॉट जेएस से कोई कोड भेजूंगा
मैसेज भेजूंगा। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने कंज्यूमर क्यों कर दिया यार, नोड प्रोड्यूसर डॉट जे एस। ओके, इसको क्या हुआ, cannot find module। oh, फाइल का नाम गलत है, producer dot js। okay, फाइल का नाम गलत था। तो ये देखो, इसने मैसेज भेजा और यहाँ देखो आ गया, ये मैसेज आ गया, दिख रहा है आपको? आपको लग रहा होगा यार मैं तो ये कर रहा हूँ, और एक बार आपके सामने करता हूँ, इसको मैं ना थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आपके सामने राइट साइड में आ जाएगा, देखना मैं यहाँ कोड एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में। थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ओ यार, ये अभी ये इसका इनबिल्ट इशू है नेटवर्क का, इसका हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो दूसरा चला गया, ये नेटवर्क का इशू था क्योंकि ये प्रोपोगेट नहीं हुआ होगा ठीक से सब डोमेन जो कुछ भी है। बट अगर आपने अगर देखा अभी कि मैं फिर से इसको शुरू से करता हूं, एक बार और रन करूंगा, राइट साइड में देखना आप, यहां पे देखना, यहां पे डेट टाइम के, ये देखो आ गया। एक्चुअली यहां से यहां डायरेक्ट नहीं जा रहा, ये मेरा लोकल सिस्टम है। एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो है टेस्ट क्यू में, यहां टेस्ट क्यू में मैं जब जाता हूं तो यहां पे स्पाइक जो आ रहे हैं ना, इसका मतलब मैसेजेस आ रहे हैं बेसिकली, ये उसका मतलब होता है कि एक्चुअली इस क्यू में मैसेज आ रहे हैं और मेरा वो जो कंज्यूमर है वो रीड कर रहा है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, प्रोड्यूसर भेजेगा क्यू को, सेंट्रल रिपोजिटरी को मतलब इसको, और कंज्यूमर इसको हमेशा लिसन करता रहेगा, भाई मेरे लिए कुछ है तो भेज दे। अब जो भी स्पीड में वो भेजेगा कंज्यूमर, वो स्पीड से वो लेगा, और इसकी कुछ खासियत होती है कि वो कुछ देर तक ट्राई करता है, डिलीट नहीं करता है, मतलब बहुत फायदे है बेसिकली। सर्वर लिस्ट बनाना है तो क्यू आपको यूज करना ही पड़ता है। और दूसरा एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है, अभी हम इसको क्लोज करते हैं, कंज्यूमर को क्लोज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं प्रोड्यूसर से मैसेज भेज रहा हूं, मैसेज भेज दिया मैंने, ठीक है, अब मैसेज भेज दिया लेकिन कंज्यूमर कंज्यूम किसी ने किया नहीं, तो ये देखो ये जो मैसेज है, अगर ये टाइम आप देखोगे, या तो एक काम करता हूं आपके सामने मैसेज चेंज कर देता हूं कि ड्यूरिंग द डेमो ऐसा लिखता हूं, ड्यूरिंग डेमो वन ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं भेजता हूँ प्रोड्यूसर से, तो ये भेजेगा और वो जाके क्यू में पड़ा रहेगा, क्यों पड़ा रहेगा, ये देखो ड्यूरिंग डेमो वन आया, ठीक है, क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने कंज्यूमर को क्लोज कर दिया, मतलब कि कोई लिसन नहीं कर रहा है इस वक्त, राइट, तो पड़ा है स्टॉक में बढ़ते जा रहा है। तो मैं यहां जाऊंगा, तो यहाँ पे काम करते हैं, हम दो मैसेज पढ़ते हैं, एक था तो दो पढ़ते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आके पड़ा हुआ है ड्यूरिंग डेमो वन, दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्यू में पाइल अप होता जाएगा। ऐसे समझ के चलिए यार कि आपका जो माइक्रो सर्विस है उसमें का जो कंज्यूमर वाला जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो पढ़ नहीं पा रहा है, डाउन हो गया, मर गया, बर्बाद हो गया, ऐसा समझ के चलो। तो क्या होता है कि ये जो क्यू है ये पकड़ के रखता है सिस्टम को, इसके पास अपना एक डाटाबेस है। अगर आपको और देना है तो ड्यूरिंग डेमो वन को ड्यूरिंग डेमो टू कर देता हूं मैं अगेन, और मैं इसको फिर से भेजता हूं, ये क्या करेगा, ये जाके जमा करेगा फिर से। मैं यहां पे आऊंगा, यहां पे बोलूंगा मुझे तीन मैसेज दिखाओ, और ये मुझे तीन मैसेज दिखाएगा, ये देखो मतलब ये पाइल अप हो रहा है। ओके, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मैंने अगर कंज्यूमर शुरू किया, मान लो मेरा माइक्रो सर्विस शुरू हो गया, तो मैं ये शुरू कर रहा हूं, ठीक है, ये लिसन करना शुरू करेगा, राइट, वो तीनों मैसेज को लेना चाहिए उसने, वो देखो उसने फर्स्ट मैसेज लिया, सेकंड मैसेज लिया, थर्ड मैसेज भी लिया, और अगर मैं यहां पे आता हूं क्यू में, क्यू इज एम्प्टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं इसको रिलोड ही कर देता हूं, इसका मतलब यह है कि आपके क्यू में अभी कुछ भी नहीं बचा, मतलब उसने तब तक पकड़ के रखा था जब आपका जो लिसनर था, मतलब कि जो आपका रिसीवर था, कंज्यूमर था, जो कुछ भी आपको नाम देना है, वो थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया था, लेकिन इसने पकड़ के रखा था, जैसे ही उसने कंज्यूम कर लिया उस हिसाब से फटाफट उसने वो उसको रिलीज करके छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वरलेस में मतलब सिंक्रोनस कनेक्शन नहीं भी हुआ तो कैसे काम करता है, ये उसका प्रूफ था दोस्तों। इतना ही सिंपल है, कोड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है,
प्रोड्यूसर का कोड इतना ही है सेंड मैसेज वाला, ये कंज्यूमर का कोड है। और दो बातों में से एक बात ध्यान में रखना, प्रोड्यूसर का कोड रन होता है खत्म हो जाता है, लेकिन कंज्यूमर का कोड हमेशा लिसन होता रहता है। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में देखो ये जो कर्सर है ये टिक टिक कर रहा है, मतलब कि ये जो कंज्यूमर का कोड है ये हमेशा चलता रहेगा, लिसन करता रहेगा, देखता रहेगा मेरे लिए क्यू में कुछ है क्या, कौन से क्यू के, किस क्यू में, जो मैंने यहाँ नाम लिखा है टेस्ट क्यू लिखा है वही। अब इसका दूसरा उल्टा है कि मान लो मैंने टेस्ट क्यू रिनेमिंग नाम का एक दे दिया, अब मैं इसको प्रोड्यूसर से मैसेज भेज रहा हूँ टेस्ट क्यू रिनेमिंग में, ठीक है, तो इसने भेज दिया समझो उठा के, उसको मिला नहीं मिला जाने दो, लेकिन कंज्यूमर के पास में नहीं आएगा, ये पूरा नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने गलत क्यू पे भेज दिया ना, टेस्ट क्यू रिनेमिंग पे भेज दिया, दूसरे क्यू पे भेज दिया, और ये किसको लिसन कर रहा है, टेस्ट क्यू को। तो ये ध्यान में, मतलब आपके समझने में आना चाहिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यूज एक से ज्यादा हो सकते हैं, ओके, एक से ज्यादा हो सकते हैं क्यूज। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो बंद करने के पहले मैं आपको ये छोटा सा दिखा के क्लोज करता हूँ कि मैं क्यूज में आता हूँ, एक क्यू बना लेते हैं, कौन सा क्यू बनाते हैं, टेस्ट क्यू रिनेमिंग वाला, और ऐड क्यू करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको भेजूंगा, आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जाते हैं टेस्ट क्यू रिनेमिंग में जाते हैं सेकंड वाले इसमें, और यहाँ पे देखते गेट मैसेज इसमें आया क्या, आया बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे आया। अब इसको लिसन करने वाला कोई होगा जो कंज्यूमर होगा तो उसको रीड कर लेगा। अब अगर मैं ये उठा के कंज्यूमर में जाके चेंज कर लूं, लेकिन मुझे इसके लिए रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना ये स्क्रिप्ट को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुरानी स्क्रिप्ट लिख पड़ेगा। अब जो मैंने टेस्ट क्यू रिनेमिंग को भेजा था, ये देखो दो भेजे थे ना, दोनों आ गए इधर। तो इस तरीके से क्यू का सिस्टम चलता है। AWS पे आप बनाओ बिल्कुल फटाफट, एक्चुअली आप विंडोज पे भी सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो एयरलैंग जो होता है ये वाला, ये एयरलैंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर RabbitMQ इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर ट्राई करना पड़ेगा। ये क्या है, थोड़े से आप छोटे से फ्री टियर में आप एक घंटे में आधे घंटे में बना के आपका सिस्टम रिलीज भी कर देना एक्चुअली। और एक बात और है कि आप अपने क्यू को यहाँ पे क्यू के जो ये है वो मैसेज मूव भी कर सकते हो, मतलब मान लो एक क्यू है उसके कंटेंट या उसके जो मैसेजेस है उसको दूसरे क्यू में डालना है, तो यहाँ डाल दो और मूव कर दो, तो मूव हो जाएगा। आप डिलीट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हो, बट ये बेस है, ये आपको समझ में आना जरूरी। सर्वरलेस में कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, AWS में कहाँ से बनाते हैं, आप फिर से मैं बता देता हूँ, AWS में जाना है, Amazon MQ में जाना है, देखो फर्स्ट ऑप्शन आया है मुझे, नहीं तो आप सर्च में भी लिख सकते हो, यहाँ पे जाऊँगा मैं, वहां पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं नया ब्रोकर भी बना सकता हूँ। मैं जैसे नया ब्रोकर बनाऊंगा तो क्या होगा कि उस ब्रोकर की पूरी सेटिंग अलग हो जाएगी, राइट, तो URL वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे क्यू फिर से बनाना पड़ेगा। इतना आपको समझ में, एक से ज्यादा क्यू रह सकते हैं, ब्रोकर रह सकते हैं, एंड एक ब्रोकर के अंदर, एक क्यू के अंदर आप मतलब टेस्ट क्यू 1 टेस्ट क्यू 2 या पेमेंट्स है या कार्ट है या ऐसे कोई भी टाइप के क्यू बना लो और उसको लिसन करने वाले माइक्रो सर्विसेज बना लो, आपका काम खत्म हो गया। बेसिकली जेसन भेजा जाता है, इतना ध्यान में रखना, इस तरीके का 1, 2, 3 ये वो नहीं भेजते एक्चुअली रियल में, जेसन वगैरह भेजा जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छी तरह से, और आप इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपकी टेस्टिंग होने के बाद एक बात जरूर ध्यान में रखना कि आप इसको डिलीट कर देना इस सिस्टम को, नहीं तो इसका चार्जेस रहता है। अगर फ्री टियर में है तो ठीक है, नहीं तो पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये पेज था यहाँ का, ये दो URL मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसोल हर एक ब्रोकर के लिए अलग बनता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अलग बनता है, ओके। और आप इसमें कितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने भी यूजर्स बना सकते हो यहाँ पे आके, और उसको आप जो है राइट दे सकते हो, इसमें से एडमिन बना सकते हो, मॉनिटरिंग वालों को, पॉलिसी मेकर, मैनेजमेंट, इंपर्सनेटर या नन, तो ये ऐसे इस तरीके से आप मान लो एडमिन बना दिया तो वो दूसरे यूजर भी बना पाएगा, वो मैनेज कर पाएगा, उसको मतलब सुपर पावर की ये मिल जाती है। यानी है बहुत कुछ इसमें, बट मुझे ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्विकली आपको इतना ही समझाना था कि क्यूज को जावास्क्रिप्ट का कोड लेके कैसे कर सकते हैं। मैं आपको मेरे इस ब्लॉग का URL भी इस वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ, ताकि आप उसको इनकेस आपको पढ़ पढ़ के करना है तो करो, वीडियो तो मैंने दे ही दिया। और दोस्तों
आशा करता हूँ आपको समझ में आया। कमेंट करके बता देना कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था। अगर नहीं समझा तभी भी कमेंट करो, मैं आपके साथ में लाइव में आके आपको ये सेटअप कराने में मदद करूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपको। स्क्रीन शेयर सेशन लूंगा और ये प्रॉमिस है, डोंट वरी, मैं ऐसे करता रहता हूँ। फिर बोलने को नहीं बोल रहा हूँ, आप मैसेज कर दीजिए, मैं उसको लाइक भी करूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा, और जितना जल्दी हो सके, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का समय पकड़ के चलिए, मैं आपका सेटअप करके आपको सिखा दूंगा। उसके लिए मुझे कुछ पैसे की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों यहीं पे रोकता हूँ, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।